गीता अ18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि मेरी साधना चार प्रकार के करते हैं, तीन तो रिजेक्ट कर दिए, अर्थ अर्थार्थी और जिज्ञासु, और चौथे जो ज्ञानी हैं ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि देवी देवताओं की घंटी नहीं पीटते, ये ब्रह्म साधना करते हैं और इनको मैं अच्छा लगता हूं क्योंकि इन्होंने मुझे अंतिम मान लिया, ये मुझे प्रिय है, इनको मैं प्रिय हूं। लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी आत्मा, उद्धार है, समर्पित है, शरीर भी इन्होंने समर्पित कर दिया, परवाह नहीं की, जब मर जाए वैसक नष्ट हो जाए शरीर में भगवान मिलना चाहिए, लेकिन ये मेरे वाली अनुतम गति में ही श्रेष्ठ आश्रित रहे, इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिले। अब आपके रूबरू करता है श्लोक देखिए, श्रीमद भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, जिसका अनुवाद दास आपको दिखाने जा रहा है, सातवें अध्याय का अब 16वां श्लोक है। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी अर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी चार प्रकार के भगत जन मुझको बजते हैं। 17वें में कहा कि उनमें नित मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति एक भक्ति ज्ञानी भक्त यह होना चाहिए, अति उत्तम है, ये मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे प्रिय है, ठीक है। अब 18वें कहा है उद्धारा सर्वे एव ते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम, मेरे विचार में ये सभी ज्ञानी आत्मा हैं तो उद्धार यानी समर्पित हैं, अच्छी आत्माएं हैं, आस्तित से ही युक्त आत्मा माम एवं उत्तमाम गतिम, ये सभी युक्त आत्मा भगवान में लीन आत्माएं आस्तित है, वह भगवान में लगी हुई आत्मा वो भगवान समझ कर मुझे बज रही है, वो मेरे वाली अनुतमाम अति घटिया गति में श्रेष्ठ है। इन्होंने अनुवाद क्या किया है अज्ञानियों ने, देखिए ये सभी उद्धार है परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, यह अनुवाद गलत कर रखा है, ये मेरा मत है, ये मेरा मत है, क्योंकि वह मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अनुत्तमा माने अति उत्तम है, फूटे बाघ धरे अनुत्तम, अनुत्तम लगा अति उत्तम, अनुत्तम लिखना था घटिया गति स्वरूप मुझमा ही अच्छी प्रकार स्थित है। अपने आत्माओं परमात्मा ने आपको शिक्षा दी, ऐसे उपकरण बनवा दिए कि घर बैठे इंटरनेट पर भी देख रहे होंगे पुण्यात्मा परमात्मा के प्यारे, और ये सीडी बनाई जाएंगी, घर घर पहुंचाई जाएंगी और जानकर गदगद हो जाएंगे सच्चाई को। इसमें स्पष्ट कर रखा है गीता ज्ञान दाता अपनी साधना को भी घटिया बता रहा है, अनुत्तम बता रहा है, और कह रहा है ये ज्ञानी आत्मा जो परमात्मा के लिए समर्पित हैं
जिनने जान लिया है कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए प्राप्त हुआ है और मोक्ष केवल उस पूर्ण परमात्मा से होगा। इनको वासुदेव प्राप्त नहीं हुआ। अब देखो, थोड़ी कथा सुनाने से पहले 19वां श्लोक और सुनाऊंगा, जिससे आपका और कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 का हम श्लोक 18 पढ़ लिया। ये मेरी अनुतम है, ये घटिया लिखनी थी उन्होंने। अब इससे स्पष्ट हो जाता है, बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम परपदते वासुदेव सर्वमति सहमात्मा सो दुर्लभ है। अब यहां कहते बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ज्ञानवान तत्व ज्ञान को नहीं, ज्ञानी, ये ज्ञानी पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको बजता हुआ महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। नहीं, ये झूठ, गलत अनुवाद गलत किया है। इसका अर्थ है कि बहु नाम जन्म, क्योंकि शुरुआत से इसका षटाठ से देखो इस प्रसंग सातवें अध्याय का, पहले कह रहा है कि तीनों गुणों की भक्ति जो इन ऊपर जिनकी बुद्धि है ब्रह्मा विष्णु महेश तक, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे नहीं बजते। फिर कहता मेरे बजने वाले भी चार प्रकार के, उनमें तीन रिजेक्ट कर दिए, चौथा फाइनल उसने कर दिया। ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी, लेकिन ये मेरे वाली ब्रह्म तक ही सीमित रही इनकी बुद्धि और उस घटिया साधना में लीन रहे। अब यहां बताया है कि बहु नाम जन्मा नाम अंते, जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर पहले में कहा है कि ये भक्ति में लगे हुए प्राणी, इनमें से हजारों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, एक मुश्किल से। तो यहां वही कह रहा है कि बहु नाम जन्मा नाम अंते, इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजाओं से ऊपर उठकर बहुत जन्म जन्म के किसी एक जन्म में ज्ञानवान ये ज्ञानी मेरी भक्ति करते माम परपदते, और वासुदेव सर्वमिति ये बताने वाला महात्मा सो दुर्लभ है कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सो दुर्लभ है, ये बताने वाला कि वो वासुदेव यानी सर्व पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म वही सब कुछ है, वही पूजा के योग्य है, वही इष्ट रूप में मान्य है, वही पाप नाशक है, वही अविनाशी है, वही सबका धारण पोषण करता है और उसकी भक्ति करनी चाहिए और की नहीं, और को इष्ट नहीं मानना चाहिए। कहते हैं ये बताने वाला महात्मा तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा, यहां इसका अर्थ ये, इन्होंने अर्थ गलत कर रखे। तो वो ये दास आपको मिल गया पुण्यात्माओं, असंख्य युगों के बाद ये दाव आपका लग गया है, इसको सफल करना। अब ये गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कहा, अपनी गति को? एक चुनक नाम के ऋषि थे, ज्ञानी आत्मा थे, जैसे भी उनको गुरु मिले सब नवोब नाम के जाप की रट लगा दी और एक हठ योग साथ में जोड़ लिया, ओम नाम के जाप का भी और अड़ंगा नारा और बोलिया। ये तप कहां से लाए? किसी भी सदग्रंथ में तप करने का आदेश नहीं, सदग्रंथ माने गीता और वेदों में, और ना ही सूक्ष्म वेद में तत्व ज्ञान में जो परमात्मा ने बोला। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 5 और 6 में तो ये कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर और मनमाना घोर तप को तपते हैं वो राक्षस लोग इस कमलों के अंदर बैठे सभी प्राणियों के जो मुखिया ब्रह्मा विष्णु महेश आदि और मुझे भी वो क्रश करते हैं, उनको राक्षस स्वभाव के दान। ये हठियोग कहां से लाए? श्री देवी भागवत के अंदर एक प्रसंग है 3 स्कंद में। ये क्या करते हैं रहस्य तो परमात्मा ने बताया है, दास ने भी आपको बहुत बार रूबरू किया है कि ब्रह्मा जी अपनी उत्पत्ति बताता है नारद जी को के अपने पुत्र को कि मैं कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम मैं कहां से उत्पन्न हो गया, आकाशवाणी हुई तप करो तप करो, मैंने 1000 वर्ष तक तप किया, फिर कहा सृष्टि करो, तपो तपो कर वाक्य सुनाया, लोकर चोबन मेरी माया, लोकर चोबल मेरी माया। ये सूक्ष्म वेद में भी ऐसा ही कहा है। तो फिर माँ जी ने कहा कि आकाशवाणी हुई कि तप करो, मैंने 1000 वर्ष तप किया, फिर कहा सृष्टि करो,
अब पहले इनके अंदर सिद्धियां पैदा कर लेता है काल, इनको एटम बम बनाता है, रिमोट इसके हाथ में रहता है। तो ये ब्रह्मांड जी ने सोचा कि ये परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की आकाशवाणी है, तप करो। और बाद में उसको वेद मिले, वेदों में तप का प्रावधान नहीं है। तो इसने वो काल की अलग से वाणी जो थी वह भी साथ अपने अनुयायियों को, अपने वंशजों को, ब्राह्मणों को दे दी कि तप भी करो, ओम नाम का जाप करो। एक चुनक नाम का ऋषि था, उसने बहुत ज्ञानी आत्मा था, ब्रह्म पुजा काल का पुजारी था। काफी वर्षों तक ओम नाम का जाप किया, तप किया, हठ योग किया, अभी से भगवान मिल नहीं सकता। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47 और 48 में और गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में स्पष्ट कर दिया है कि मैं काल हूं और ये मेरा रूप है और सबको खाने के लिए आया हूं। अर्जुन तू ना लड़ेगा तो भी मारूंगा, ये मेरा वास्तविक रूप है, मैं काल हूं। तो जर में दया के 47-48 में कहा कि अर्जुन ये मेरा स्वरूप आज तक आपने तेरे तिरिक पहले किसी ने नहीं देखा और मेरे इस रूप की प्राप्ति यानी मेरी प्राप्ति इसके दर्शन माने भगवान प्राप्ति ना वेदों में वर्णित विधि से, ना तप से, ना जप से, ना किसी क्रिया से मैं कभी नहीं मिल सकता, कोई नहीं कर सकता। इति सिद्धम वेदों में वर्णित विधि से भगवान प्राप्ति नहीं है, जिस कारण से इन कबीर साहब कहते हैं खोजत खोजत हारिया, अंत कहा निराकार। इनके साधन गलत थे भगवान पाने के और देखने के, अंत में कह दिया भगवान निराकार है, अपना मन ग्रंथ थ्योरी बना लिए लोगों ने। तो इनको भगवान मिला नहीं, ये एटम बम बन गए कि सिद्धियां युक्त हो गए। जैसे अगस्त ऋषि ने 700 समुद्र पी लिए, के कला टूट गया, युग गधा बना अंडेगा, मोक्ष होगा विधिवत, इन बकवादों से नहीं होगा। इव चुनक ऋषि में इतनी सिद्धि आ गई, सारा बोलबाला हो गया उसका। एक चक्रवर्ती राजा था, मान धाता, चक्रवर्ती माने जिसका पूरी पृथ्वी पर शासन हो, उसके छोटे छोटे राजा लोग उसके पराधीन होते हैं और उनसे वो टैक्स लेता है और वो ये देखता है कि किसी राजा ने मेरी पराधीनता अस्वीकार तो नहीं कर दी है। उसके लिए एक ट्राई करता था, वो अपने निजी घोड़े के आगे एक पंपलेट लगा देता था कि राजा के पास इतनी सेना है और जिसने राजा की पराधीनता स्वीकार नहीं है वो इस घोड़े को पकड़ ले, युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार वो घोड़ा छोड़ दिया, साथ में सैनिक, अन्य घोड़ों पर सवार वो खाली चुनक ऋषि की कुटिया के पास से गुजरे। राजा ने जाते समय भी देखा, फिर आते समय जब सारा घूम कर आगे किसी ने घोड़ा पकड़ा नहीं, युद्ध स्वीकार किया नहीं। चुनक ऋषि ने पूछा कि भी कहां गए थे सैनिकों, इस घोड़े पर सवार क्यों नहीं है तुम्हारे पे? सैनिकों ने बताया कि ऋषि जी ये मानदाता चक्रवर्ती का राजा है, इसके पंपलेट पे लिखा हुआ है, इस पर कोई बैठ नहीं सकता, इसके पंपलेट पर आगे लिखा हुआ गले में 72 करोड़ सेना है हमारे राजा के पास। तो ऋषि ने पूछा कि कहां गए थे, कैसे ऐसे गए थे? ऋषि ने कहा कि किसी ने नहीं पकड़ा ही घोड़ा। अक नहीं, कौन पकड़े? क्या किसी की मां ने दूध? सैनिक बोले उसके जाड़ फोड़ दे हम। अब ऋषि ने सोचा भी राजा का विमान हो गया, मैं इसका विमान ठीक कर दूं। बता, रिमोट काल के हाथ में बना लिया एटम बम पहले चुनक ऋषि और फिर रिमोट ऑन कर दिया, अब इसको करता हूं राजा को ठीक। राजा का फील्ड अलग और साधु संता का फील्ड न्यारा, वो क्यों बेमतलब टांग अड़ाऊं एक दूसरे के बीच में? अब ऋषि ने जानबूझकर अपना ताकत दिखाने के लिए कहा कि भी इस घोड़े को मैं बांध लू, मैंने उठ लिया तुम्हारे राजा का, युद्ध स्वीकार किया। सैनिक बोले अगर कंगले तेरे दाने तो खाने को नहीं, क्यों क्यों अपनी सामत बोल लेता है, मोल ले रहा है, चुप करके जप ले माला। ऋषि में भी पूरा हंगा पा कर रहा था, अरे ताकत रिटैन नहीं करे जीव पे, इसका नाश करा कर छोड़ जा करे। तो उसने क्या कहा कि ठीक है भाई, मेरे भाग में यह लिख रखी होगी, तुम्हारे राजा से मरना होगा, मैंने जाके दो उनको घोड़ा बांध दो यहीं पर। सैनिकों ने जाके बता दिया जी ऐसे ऐसे बात है, एक चुनक नाम के ऋषि ने आपका युद्ध स्वीकार कर लिया।
मंत्रीगण इकट्ठे हुए कहने लगे, राजन आज एक व्यक्ति की हिम्मत पड़ी है आपके साथ चीटिंग करने की, कल दूसरे की पड़ेगी। निप द ईवल इन द बड, बुराई को शुरू से ही खत्म कर देना चाहिए। राजा बोला ठीक है। राजा ने अपनी 72 करोड़ सेना की 4 टुकड़ी बनाई, 18-18 करोड़ की, 18 करोड़ एक टुकड़ी भेज दी। उधर से उस ऋषि ने सारे जीवन में जो डले ढोए थे वो अटपट करके सिद्धियां प्राप्त की थी, उससे 4 पुतली तैयार कर ली, एटम बम 4 बना लिए, परमाणु बम। एक परमाणु छोड़ दिया पुतली, उसने 18 करोड़ कतलेआम कर दिया। राजा ने दूसरी सेना भेज दी, ऋषि ने दूसरी पुतली, यानी 72 करोड़ सेना का सत्यानाश कर दिया उस ब्रह्म के काल के पुजारी ने। सूक्ष्म वेद में कहा है, 72 अक्षोणी अक्षय करी वो चुन कर शिश्वर एक, दे धारे जो राथर ये सभी काल के वेख। 72 अक्षोणी अक्षय करी, 72 अक्षोणी खा गया वो चुनक ऋषि स्वर एक। ओए होए, इनको ऋषिवर ऋषिश्वर कहा करते थे। ओए होए, ऋषिस और ऋषिश्वर, एक तो मुनि, एक मुनिवर, उन मुनियों में श्रेष्ठ, एक मुनीश्वर, यानी मुनियों में भी, उन मुनिवरों में भी और श्रेष्ठ, उसको मुनीश्वर कहा करते हैं। ऐसे ऋषिवर और ऋषिश्वर, जिसको ऋषिश्वर कहा करते थे, उस ऋषिश्वर के ये कारनामे हैं। 72 अक्षोणी खा गया वो चुनक ऋषिश्वर एक, ये दे धारे जोरा फिरे, जोरा माने मृत्यु, दे धारे जोरा फिरे ये सभी काल के भेख, ये काल के पुजारी हैं सारे अपनात्मो। अब क्या होगा, जब तक हम परम अक्षर ब्रह्म कबीर परमेश्वर की सत्साधना पूर्ण संत से लेकर नहीं करते, तब तक हमारे दोनों अकाउंट ओपन हैं, गुड और बैड, पुण्य और पाप। जैसे हम पुण्य करेंगे, जाप करेंगे, कोई कितना ही करो वो अलग लिखा जाएगा, और बुरा जितना भी करो, छक्का करो, कितना ही करो, वो अलग लिखते रहेंगे। उन दोनों को संचित कर्म कहते हैं। आगे आपको जो भी जीवन मिलेगा उन्हीं से एवरेज निकाली जाएगी, जिसके पुण्य गणे हैं उनके पुण्य ज्यादा एवरेज में, जिसके पाप गणे उसके एवरेज में पाप ज्यादा, फिर एक मनुष्य जीवन बनाकर भेज दिया जाता है, और फिर 84 लाख योनियों में वो पाप भोगने पड़ते हैं। तो ये चुनक ऋषि ने जो तप किया, ओम नाम का जाप किया, और 72 करोड़ सेना का नाश किया, ये सब अलग अलग लिखे गए। ओम नाम के जाप के कारण ये ब्रह्म लोक में जाएगा, वहां पर ठाठ करेगा, अपनी पूंजी का नाश करेगा, फिर पृथ्वी पर राजा बनेगा। तब से राज राज मदमानम जन्म तीसरी शुक्र स्वान, राजा बनकर कर्म फोड़ फोड़ सकता है, पुण्य नहीं कर सकता। उसके बाद फिर इसकी दुर्गति होगी, ये कुत्ता बनेगा, चुनक ऋषि ब्रह्म पुजारी, इसका शर्म कीड़े पड़ेंगे, और वो 72 करोड़ सेना जो उसने मारी है उसको चुन चुन का बदला लेंगे। तो परमात्मा कहते हैं सूक्ष्म वेद में, तुमने उस दुर्गा का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। इसलिए गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो समर्पित, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये मेरे वाली अनुतम घटिया गति में स्थित रहे, इनका फिर पुनर्जन्म रहेगा। इसलिए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जदाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उसके लिए गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में कहा है कि वो तत्व ज्ञान स्वयं परमेश्वर आकर बोलते हैं, और वो ज्ञान तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ, उसके आधार से साधना करने से जब तेरा मोक्ष होगा। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जो मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लेता तत्वदर्शी संत को खोज लेता है, वो जरा और मरण से जो छूटने का प्रयत्न कर रहे हैं उसने तत्वर्म को जान लिया।
सारे धातुओं से परिचित है, सब संपूर्ण कर्मों से परिचित है, तो दास ने भी बता दिए जो जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्नशील है वो तत्वर्म से परिचित है, सारे धातुम ज्ञान से परिचित है और सभी कर्मों से परिचित है। जरा माने वृद्धावस्था, एक जोरा, जोरा माने मृत्यु, ये परमात्मा के संत भाषा के शब्द हैं। जोरा माने मौत और जरा माने वृद्धावस्था और मृत्यु, जो इससे छूटने का ही प्रयत्न करते, संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते, वो उस तत्वर्म से परिचित है। तो यहां फिर आठवें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि वो किम तत्परम, आठवें अध्याय के तीसरे श्लोक में गीता ज्ञान दाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1-4 में उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष का हवाला दिया है कि समझो ये संसार ऐसा है, ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा, नीचे को तीन गुण रूपी शाखा है, और तत्वदर्शी संत वो होगा जो संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा है, वो पात रूप संसार। परमात्मा 600 वर्ष पहले अपने सुख संवेद में बोला हुआ ये ज्ञान दास को आज आपके रूबरू किया। फिर गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा कि उस तत्व ज्ञान के प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार बनी आती, और जिसने सब ब्रह्मंडों की रचना की है केवल उसकी भक्ति कर मेरी भी छोड़ दे। और गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञान दाता खुद कहता तेरे और मेरे असंग जन्म और ये आगे भी होते रहेंगे, मैं अविनाशी नहीं हूं। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन पुरुष, तीन प्रभु, तीन स्वामी, तीन ब्रह्म बताए। सर्वपुरुष ये किस ब्रह्मांड का स्वामी, ये काल है, गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है। अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, इसका भी ये विनाशवान है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, ये लोक तेरे में अविशय विवृति अवैश्वर है, इन दोनों से भी अन्य है, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष से जो श्रेष्ठ परमात्मा इन दोनों से अन्य है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके इन सबका धारण पोषण वो जड़ से होता है, तो संसार रूपी वृक्ष की जड़ वो पूर्ण परमात्मा है, उसी से सबका धारण पोषण होता है यहाँ पर, और वही वास्तव में अविनाशी है। यहाँ एक भ्रम पैदा होता है, 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में लिखा है, ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं अपने अंतर्गत 21 ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं उन सबसे उत्तम हूँ, श्रेष्ठ हूँ, इसलिए मैं लोक वेद दंत कथा के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ। आई एम नॉट पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम तो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में बता दिया कि उत्तम पुरुष है यानी पुरुषोत्तम तो कोई और है, उसके बारे में तत्वदर्शी संत जानते उनसे पूछो, तो पुण्यात्मा ये है वो दास तत्वदर्शी संत, आओ और अपना कल्याण करो। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे, प्रेम पूर्वक अनुभव सुनो। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है जी आपका? मेरा नाम महेंद्र दास है, गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा का रहने वाला हूं, और मैं संत रामपाल जी का छोटा भाई हूं नाते में। संत रामपाल जी महाराज की शरण आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? वैसे तो भक्ति की रुचि बचपन से ही थी, फिर महाराज जी का बचपन से साथ मिलने से, हनुमान जी की भक्ति, भगवान शिव के व्रत रखना, शिवलिंग पे जल चढ़ाना, वह भगवान विष्णु जी को विशेष रूप से मानता था, भगवान श्री कृष्ण जी को, तो हम हिंदू लोग करते वही भक्ति हम करते थे। फिर मैं नौकरी लग गया, गुरु जी संत रामपाल जी से मैं दूर हो गया, मैं चंडीगढ़ रहा 8 साल, वहां जाकर के रुचि भी खत्म हो गई। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? फिर मैं 1991 में मैं चंडीगढ़ से रोहतक आ गया और SP रोहतक का मैं ड्राइवर लग गया, मेरी पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी थी, और महाराज जी पहले सिरसा वगैरह में पोस्टेड थे जूनियर इंजीनियर की, और गुरुजी फिर रोहतक में पोस्टेड हो गए, रोहतक में पोस्टेड हो गए गुरुजी, और फिर मिलना जुलना शुरू हो गया, और गुरुजी लंच टाइम में मेरे पास रोजाना आते थे, लगभग 4 महीने लगातार आए, और सत्संग की भक्ति की बातें बताने लगे कि भक्ति करनी चाहिए, भक्ति से दुख दूर होते हैं, सुख मिलता है, मोक्ष मिलता है, लेकिन मेरी रुचि विशेष नहीं थी।
और मैं महाराज जी को मना भी नहीं कर सकता था कि मेरे पास क्यों आए, क्योंकि बड़े भाई साहब थे। तो मैं अंदर से दुखी बहुत था कि रात को ड्यूटी करते हैं, दिन में ये आगे बैठ जाते हैं। लेकिन एक दिन मैंने कह ही दिया कि भक्ति में कुछ नहीं रखा, काम करो और बच्चों का पालन पोषण करो, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है। फिर गुरु जी ने धीरे धीरे आना बंद कर दिया। फिर मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी, 1992 की बात है, कि मैं एक DIG को लेकर के मधुबन गया हुआ था पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर। रात को वहां ठहरे, मैं सुबह सोकर उठा तो मैंने देखा, मैं चारपाई पर लेटा हुआ, मेरी आंखें खुल गई। तो लेटे लेटे मैं क्या देख रहा हूं कि मेरे पैरों की तरफ उस मकान यानी कमरे में दो खिड़कियां थी। उन एक खिड़की में महाराज जी कम से कम 8-10 फीट ऊपर आसमान में बैठे हैं। वो सीन मुझे आज तक याद है, काले रंग के चश्मे लगा रखे थे, लाइनिंग वाला शर्ट, काली पैंट, और ऐसे बैठे हैं जैसे पद्मासन होता है, हाथ जोड़कर। तो संत रामपाल जी की तरफ दो पैर दिखाई दे रहे हैं, घुटने से नीचे बिल्कुल लाल रंग के, जैसे सूर्य सुबह निकलता है। तो मैं देख कर डर गया, मैंने अपनी घड़ी देखी, उस द्वार पे एक घड़ी लगी हुई थी, उसको देखा भी 7 बज गए। दूसरी खिड़की से देखा तो शहतूत का पेड़ है, चिड़िया बैठी हैं। लेकिन मैं ये सीन क्या देख रहा हूं, कम से कम 5 मिनट मैंने सीन को देखा। तो मैं डर गया कि मैंने समझा कि भी कहीं गुरु जी मर गए हैं, उनकी आत्मा मुझे मिलने के लिए आ रही है। उसमें फोन भी नहीं थे, मैं DIG को बोल भी नहीं सकता था कि मैं मेरा भाई मर गए हैं। तो मैं बहुत चिंतित हो गया। हम 1 बजे मधुबन से रोहतक के लिए चले, हम लगभग 3 बजे वहां पहुंच गए। मैं गाड़ी खड़ी करके सीधा मकान पे गया, गुरुजी के मकान के ऊपर। तो जाके मैंने देखा गुरुजी ठीक ठाक मिले, मन में शांति हुई। तो गुरुजी ने पूछा कि कैसे आना हुआ आज दिन में, कैसे टाइम मिल गया। तो मैंने घटना के बारे में बताया, मैंने कहा जी मैंने तो ऐसे ऐसे एक घटना देखी सुबह सुबह, मैं डर गया कहीं आप मरना गए हो। तो महाराज जी ने कहा कि मेरे स्वरूप में कबीर परमेश्वर आए थे और अब आपको भक्ति मिल जाएगी। तो मैंने कहा जी मैं तो ड्रिंक्स वगैरह कर लेता हूँ, वो छुट्टी नहीं, भक्ति कैसे करूंगा। तो गुरु जी ने कहा जा आज के बाद नहीं पिएगा। तो उनके एक शब्द से ऐसी दीवार खड़ी होगी कि आज 1992 की बात है, आज 2013 हो गया, यानी लगभग 21 वर्ष हो गए। वो आज तक मैंने शराब कुछ हुआ तक नहीं है। तो उसके बाद गुरुजी ने अपने गुरुजी से मुझे नाम दिलवाया, संत राम देवानंद जी महाराज से। उस समय गुरुजी को आज्ञा नहीं थी नाम की। मैं भक्ति में जरूर लग गया, क्योंकि महाराज जी बताते थे कबीर साहब पूर्ण परमात्मा हैं, इनसे सबसे ऊपर हैं। तो मैंने उनको उदाहरण दिया कि पुलिस में तो ऐसे होता है, उसमें पुलिस वाले बहुत नाजायज किया करते, कोई कहता मैं फलांगा सिफारशी हूं, उसको पकड़ लिया तो उसकी कुटाई कर देते थे, फोन आता छोड़ देते, हमें नहीं पता जी आपका था, कहीं ऐसा ना हो कि ये नित्य देव देवता हमें कूट दें और जब तक कबीर साहब ऊपर से आए। लेकिन मैं लगा जोर रहा, लेकिन विशेष विश्वास नहीं था कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है। तो महाराज जी ने कहा कि आप ये नाम जपते रहो, इन नाम से आपका विश्वास हो जाएगा। तो फिर 1994 में गुरु जी को आज्ञा होगी नाम की, फिर महाराज जी ने दोबारा से हमारे को नाम दिए, फिर सार नाम दिया। मैं भक्ति में लगा रहा, लेकिन कबीर साहब के बारे में मैं पूछता था कि वेदों में दिखाओ, गीता जी में दिखाओ। तो महाराज जी कहते समय आने तो सब कुछ दिखाऊंगा मैं, अब ये करते रहो। तो फिर ऐसी घटना घटी कि एक दिन मैं सोया हुआ था और मेरी आत्मा निकल के ऊपर ब्रह्मांड में चली गई, बहुत ऊंचाई पर। वहां विष्णु भगवान खड़े हैं श्री कृष्ण जी के रूप में, उनके सिर पर ऐसे मोर का कंधा है, मोर मुकुट है, और मेरे से कह रहे हैं कि जिस भक्ति पे आप लगे हो ये भक्ति बड़ी कठिन है, ये मार्ग बड़ा कठिन है, अगर इतना आसान होता तो सभी यहां से निकल जाते, और एक बात का ख्याल रखना मेरे भक्तों को मत तोड़ना। जैसे मेरी आत्मा मेरा सूक्ष्म शरीर मेरे शरीर में आया तो मेरी आंख खोली तो मेरा सारा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, और मैं बिल्कुल सर्दी का महीना था, मैंने कपड़े चेंज किए पसीना पोंछ कर, और मैं सुबह उठ करके अपनी ड्यूटी पे आया तो महाराज जी से मुलाकात हुई। मैंने महाराज जी को बताया कि ऐसे ऐसे घटना घटी रात को। तो महाराज जी ने कहा कि आपको विश्वास नहीं हो रहा था कबीर साहब के बारे में, और आप कृष्ण जी को ज्यादा मानते थे, इसीलिए कृष्ण जी के मुख से ही आपसे कहलवा दिया गया है कि ऊपर और शक्ति है और रास्ता है। तो उस दिन के बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और फिर मैं
सही ढंग से भक्ति करने लगा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुआ? पहले मैं संसारिक लाभ बताऊंगा आपको, खासकर शरीर के लिए। जब मैंने गुरु जी को गुरु धारण कर लिया और भक्ति करने लगा, लगभग 1999 की बात है, उस समय मेरी आयु 41 वर्ष थी, 41 ईयर, और अब मेरी 55 साल की हो चुकी है, 55 ईयर ओल्ड। तो मैं रोहतक में एक रेलवे रोड, रोड का नाम है बाजार में, वहां एक लाला जी के पास बैठा हुआ था। वहां एक लड़का मेरे से मिला, वो लाला जी ने, उसका नाम फकीर चंद जी थे, उन्होंने कहा कि ट्रिपल एमए है और इन्होंने ज्योतिष शास्त्र से भी एमए किया हुआ है। तो मैंने उसको भक्ति की बात ही समझानी चाहिए, तो उसने कहा जी एक बार अपना हाथ दिखा दो। तो उसने मेरे हाथ देखे दोनों, पहले दाहिना हाथ देखा, कहने लगा आपकी आयु कितनी है? मैंने कहा मैं 41 वर्ष का हो चुका हूं। तो उसने कहा आपके भाग्य में लिखा है 40 वर्ष से लेकर 45 तक बिल्कुल बेड के ऊपर बीमार अवस्था में लेटना और आपको फला फला बीमारी लगेंगी। फिर मैंने कहा मैं तो 41 का हो चुका हूं, मुझे तो कुछ भी नहीं है। कहने लगा एक साल का धोखा भी हो सकता है, आपको जरूर होगा। तो मैं कुछ चिंतित तो हुआ, लेकिन फिर उसने मेरा बायां हाथ देखा और कहने लगा आपकी पत्नी जिंदा है? मैंने कहा वो तो जिंदा है, कहता हो ही नहीं सकता। मैंने कहा मैं सुबह घर से आया था जब तू जिंदा थी, अब मर गई हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन वो तो उसने कहा भी ये कैसे असंभव हो रहा है। तो मैंने उनसे कहा भी हम पूर्ण सतगुरु की शरण में हैं, सच्चे मंत्र का जाप करते हैं, हमारे सतगुरु कहते हैं कि भी तिल घटना मासा बढ़े बदना लखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मिटा के ऊपर मार दे मिट, हमारे सतगुरु ऐसे कर देते हैं। तो फिर मैंने 6 महीने के बाद फिर मुझे एक ऐसा ही ज्योतिषी मिला। मैं जैसे पुलिस लाइन में गाड़ी का वायरलेस सेटिंग करवाने के लिए गया, उस वर्कशॉप में एक इंस्पेक्टर थे इंचार्ज, वो अपनी टेबल पर ज्योतिष शास्त्र की किताब खोल के बैठे हुए थे। मैंने उनसे वही प्रश्न किया भी इसमें क्या रखा, भक्ति करो ना सच्चे नाम की, डिस्कस हुई हमारी। उसने कहा भगत जी ऐसी बात नहीं है, ये पूर्व जन्म के लेख होते हैं, भक्ति अलग चीज है, ये भी सत्य होते हैं। तो उसने मेरे फिर हाथ देख लिए मेरे, जो बातें उसने बताई थी वही बातें उसी ने दोहराई। तो फिर मैंने गुरु जी से प्रार्थना की, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे बताया दो ने। तो संत रामपाल जी कहने लगे कुछ नहीं होगा, परमात्मा लेखों को मिटा देता, भक्ति करो। तो संत रामपाल जी की दया से, इनकी सच्ची भक्ति से, उस पीरियड के दौरान मेरे को जुखाम तक नहीं हुआ, बुखार तक नहीं लगा, और आज मैं 55 वर्ष का हो चुका हूं, मेरी पत्नी भी जिंदा है, और मेरी जो घरवाली थी उनका नाम राजबाला है, और वो भक्ति में विशेष रुचि नहीं रखती थी, वो किसी को भी नहीं मानती थी, बस अपने काम धंधा करती थी। तो एक बार 2004 की बात है, इसकी दोनों उंगलियां सुन हो गई दाहिने हाथ की, वो मेरे से कहने लगी मुझे दिखा नहीं तो हाथ सूख जाएगा, को पड़ोस के कह रहे थे एक हाथ सूख गया, ऐसे ही बीमारी लगी थी। तो मैं रोहतक में रेडियो स्टेशन के पास गुप्ता जी हैं डॉक्टर हड्डियों के, उनके पास उनको लेके गया, उन्होंने बताया कि उसकी ये गर्दन के पास नसें होती हैं, नस दब गई है। तो उन्होंने एक्सरे लिया, दवाई दे दी, 2 महीने इलाज चलता रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैंने अंदर आकर गुरु जी से प्रार्थना की, संत रामपाल जी से भक्ति करते समय, कि गुरु जी अगर ये हाथ सूख गया तो बुढ़ापे में हम तो रोटी वगैरह भी रह जाएंगे, परेशान होगी, कुछ दया करो। तो जैसे मेरा ध्यान लगा हुआ था सुमन करते करते, वैसे आंख बंद हो गई, तो मुझे गुरु जी खड़े दिखाई दिए और कहा कुछ नहीं होगा बेटा, ठीक हो जाएगी। तो मैं कुछ दिन के बाद ड्यूटी से छुट्टी लेकर घर गया, मैंने उससे पूछा भी आपकी उंगलियां ठीक होगी? उन्होंने कहा वो तो ठीक होगी। मैंने कहा ये गुरु जी ने की है, मैंने प्रार्थना की थी। कहने लगे नहीं नहीं मैं तो दवाई से ठीक हुई हूं। तो मुझे बड़ी निराशा हुई। तो कुछ यानी 2005 में उसके दाहिने पैर में बहुत जोर का दर्द शुरू हो गया, मैं उसी डॉक्टर के पास फिर लेके गया गुप्ता जी के पास, गुप्ता जी ने फिर एक्सरे किया, फिर कहा भी रीढ़ की हड्डी की नस दब गई है इसलिए उससे पैन है। उसने दवाइयां दे दी एक सप्ताह की, मैं दवाई दिलवा करके बरवाला में सत्संग चल रहा था गुरु जी का, उसमें आ गया। उसने फोन करवाया 4th दिन, कहने लगी मुझे कोई आराम नहीं है और मैं तो मर रही हूं, तो तू सत्संग में धक्के खाता फिर रहा है, क्या रखा है सत्संग में, आकर के मुझे दवाई दिलवा। तो मैं गुप्ता जी के पास गया वहां उसका रिकॉर्ड लेकर के, गुप्ता जी ने कहा भी अब तो इसका ऑपरेशन होगा और कोई इलाज नहीं है। तो ऊपर से इलेक्शन थे हरियाणा में 2005 फरवरी में, तो मैंने कहा जी एक सप्ताह इलेक्शन का, अभी छुट्टी नहीं मिलेगी, आप ऐसा कर दो ऐसे इंजेक्शन लिख दो कितने ही महंगे हैं जो 10 दिन निकाल दें, फिर मैं ऑपरेशन करा लूंगा। तो उन्हें इंजेक्शन लिख दिए, मैं दवाई लेकर के पुलिस लाइन में जाके अपने बॉक्स में रख दिए, तो सुबह ड्यूटी करके फिर जाऊंगा घर। तो मैं रात को 2 बजे उठा तो मुझे बड़ी वही चिंता हो गई भी क्या होगा, तो बड़ी रो रही है, बड़ी तकलीफ है उसको। तो मैं भक्ति करके
सुबह का नित्यनियम करके अपने सुमरण करके मैं दोबारा सोगा, और सोते समय मैंने प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, हे गुरुदेव, ठीक तो आप ही करते हो, अब की बात ठीक भी करो और ये एहसास करवाओ कि आपने ही किया है, करने वाले तो आप ही हो। तो मैं ड्यूटी करके शाम को 5 बजे घर गया, तो वो अपने काम धंधे में लगी हुई थी। मैंने उससे पूछा भी, मैं तो 1000 रुपये की इंजेक्शन ले यार, तू ठीक है तो फोन कर देती, दवाइयों को मैं वापस कर देता। तो उसने कहा मैं तो ठीक होगी, मैं कैसे हुई? कहने लगी मैं सारी रात रोती रही, 3 बज गए, मैं द्वार के ऐसे कमर लगा के रो रही थी, तो मुझे गुरुजी दिखाई दिए, मेरी आंख बंद हुई कुछ सेकंड के लिए। तो गुरुजी ने ऐसे हाथ, क्या ठीक हो जाएगी बेटी, कोई बात नहीं। कहता उसी समय मेरा रोग बिल्कुल खत्म हो गया। तो फिर मैंने कहा आप तो भक्ति करेगी ना? कहने लगी हाँ अब करूंगी। तो आज तक उसको दर्द दोबारा नहीं हुआ है, और अनेक गुरुजी ने हमें सुख दिए। सबसे बड़ा तो मानसिक सुख होता है, मानसिक शांति, वो हमारे को संपूर्ण रूप से मिली हुई है। एक दिन संत रामपाल जी करनाल के अंदर एक भगत के घर गए हुए थे, हाँ सतगुरु जी ने 3.5 घंटे के लगभग सत्संग किया। जब चलने लगे तो एक औरत ने, जो काफी बुजुर्ग थी, कोई 65 साल के करीब उनकी उम्र रही होगी, उन्होंने कहा कि जी मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है पूछो। तो उसने कहा जी आपने जैसे सत्संग समाप्त किया तो आपके ऊपर से कमल के फूल पर बैठा हुआ सफेद परमात्मा निकल के गया मानो सदर्श, और मैं कमल की पंखड़ी को बहुत दूर तक देखते रही ऐसे। तो संत रामपाल जी ने कहा फिर आपकी क्या सलाह है नाम लेने की? तो उसने कहा मैंने तो गुरु बनाया हुआ राधा स्वामी व्यास से, और मैं तो मंदिरों में भी जाती हूँ, देवताओं की पूजा भी करती हूँ। तो महाराज जी ने कहा देखो उनके फूटे भाग, ये सच्चाई को देखकर भी नहीं मान रही है। तो फिर हम चल पड़े, उस समय गुरु जी के पास सुमो गाड़ी होती थी, हम दिल्ली साइड में जा रहे थे। मैंने महाराज जी से प्रश्न किया कि महाराज जी परमात्मा का भी अजीब खेल है, जो ढूंढ रहे हैं उनको दर्शन नहीं दे रहे, और जिनको दर्शन दे दिए, जो इनको प्रकट होके बता गए, वे इसको मान नहीं रहे कि परमात्मा की क्या लीला है। तो महाराज जी ने कहा ये बुद्धि से परे का विषय है और इसको आप नहीं समझ पाएंगे। फिर मैंने कहा जी बताओ, दया करो। संत रामदास जी ने बताया कि ये औरत 600 वर्ष पहले जब कबीर परमेश्वर आए थे उनकी शिष्या थी, इनको इन्होंने लगभग 5-6 महीने भक्ति की, फिर इन्होंने नाम छोड़ दिए। उसी प्रथम मंत्र के प्रभाव से इसको मानुश्री मिलते आ रहे हैं, भक्ति में रुचि है, अब ये समझ रही है कि जो मेरे को छोटा मोटा लाभ मिल रहा है ये देव देवता या मेरा पुराना गुरु दे रहा है जो उन्होंने बनाया हुआ है, उसको डर के मारे नहीं छोड़ना पा रही। तो मैंने फिर प्रश्न किया कि महाराज जी मैंने तो ये पूछा है कि इनको दर्शन क्यों दिए? तो गुरु जी ने कहा, संत रामपाल जी बोले कि परमात्मा किसी की उधार नहीं रखता, ये कल को मरेगी, नरक में जाएगी, वहां उसको बड़ा कष्ट होगा। जब आत्मा रोती है तो परमात्मा को आना पड़ता है, मन के नहीं सुनता परमात्मा। तो फिर ये आत्मा वहां सवाल करती है कि आपकी भक्ति का हमें ज्ञान नहीं था, हमने भक्ति तो बहुत की। तो वहां परमात्मा ये सीनरी दिखाएंगे, ये सारी फिल्म दिखाएंगे कि 3-3.5 घंटे मैंने सत्संग सुनाया, आप क्या भक्ति कर रहे हो, इसका क्या लाभ है, मेरी भक्ति क्या है, और जाते समय दर्शन दे दिए। परमात्मा ने अपने सिर से भार उतार दिया, फिर ये आत्मा बोल नहीं पाएगी, चुप हो जाएगी। तो मेरा भगत समाज से यही बार बार निवेदन है कि ऐसा मौका बार बार नहीं आता, तो संत रामपाल जी की शरण में आकर के अपना आत्म कल्याण करवाएं। सत साहिब, धन्यवाद आपको बहुत। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर, कबीर देव जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं कुछ समय के लिए परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी का बहुत बड़ा सौभाग्य है जिस दिन उसको सतगुरु और सत्संग प्राप्त होते हैं। जब तक सतगुरु और सत्संग प्राप्त नहीं होते तब तक मनुष्य जीवन का वो लाभ, मनुष्य जीवन की सफलता वो प्राप्त नहीं कर सकता। सत्संग से जानकारी होती है, ज्ञान होता है,
कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ था। और हमने सत्संग सुनने से पहले जो मनुष्य जीवन की जो प्रक्रिया, मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य उद्देश्य, उसकी अचीवमेंट जो मान रखी थी, वो आप सबको मालूम है। क्या सोच रखा था कि अपना रोजगार बढ़िया हो, अच्छी पढ़ाई पढ़ूं, विवाह हो जावे, फिर उसके बाद संतान हो, उनकी परवरिश करें, उनकी विवाह करके फिर उनसे हम फारिग हो जाएं और फिर परमात्मा उस संतान को संतान देवे। हमारा कुल यानी हमारा वंश चल जावे, फिर हम बेशक मर जावे। ये हमारी अंतिम सोच थी। जब कभी हम उस समय बूढ़े बुजुर्गों के विचार सुना करते थे, जब हम बालक थे, आपस में बैठकर वो क्या चर्चा किया करते थे, कुशल मंगल पूछते थे संतान कितनी है, कैसे है, तो दूसरा बताता था कि मैं दो लड़के दो लड़की हैं, सबको विवाह कर दिया, सबको भगवान ने संतान दे दी, अब बेशक मर जाऊं, मेरा काम पूरा हो लिया। तो उस समय हमें भी ऐसा ही लगता था कि हम भी बस इतना ही काम करेंगे। अब ज्ञान सत्संग सुनने से, सतगुरु मिलने से, तत्वज्ञान की रोशनी में अब पता चला कि उस भद्र पुरुष ने जो ये कह रहा था कि मेरा काम पूरा हो गया मनुष्य जीवन का, मनुष्य जीवन का काम तो उसने स्टार्ट भी ना किया, शुरुआत भी नहीं की। ये कर्म तो पशु पक्षी भी करते हैं, सभी संतान उत्पत्ति करते हैं, हमसे भी अधिक प्यार से उनकी परवरिश करते हैं। पक्षी अपने मुख में अपने बच्चों के लिए आहार लेकर आता है, अपने मुख से निकालकर उनको खिलाता है। बंदर आपने देखा होगा, बंदरिया अपने बच्चों को सीने से लगाए फिरती रहती है। तो हम भी इतना ही काम कर रहे थे, फिर मनुष्य जीवन की क्या आवश्यकता थी? एक ऐसा ही कोई और कार्टून बना देता ये काल, फिरते रहते हम भी। तो सत्संग में आने से ज्ञान होता है कि मनुष्य जीवन का एक न्यारा काम है और बाकी जो संतान है वो हमारा संस्कार है। कई ये भी कहा करते थे कि मैंने मेहनत करके, क्योंकि दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ तो किसान लोगों की ही वार्ताएं हम ज्यादा सुना करते थे, तो क्या कहा करते थे कि मेरे पास 4 एकड़ जमीन थी, मैंने 16 एकड़ बना दी, यानी 12 एकड़ जमीन और खरीद के बच्चों के लिए मैंने बना दी। मेहनत करके मैंने इतना कुछ कर दिया। तो ये अब पता चला है कि जो कुछ भी हम कर रहे थे वो तो हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमने अपने पेट निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ प्रयत्न करना ही पड़ेगा। बात रही कि मैंने कर दिए और मेरे करने से सब कुछ हो गया, या भूल थी। ना तो जीव का चाहा होता है, ना जीव का किया होता है। प्रयत्न सभी करते हैं और सभी सेठ बनना चाहते हैं, धनी बनना चाहते हैं, और सभी किसान चाहते हैं कि मेरी ज्यादा एकड़ जमीन हो, और उसके पैरेलल ही उससे भी अधिक परिश्रम कर रहे होते हैं। जो ये कह रहा था कि मैंने 12 एकड़ जमीन और खरीद ली, वो नहीं खरीद पाए और उसको उसने खरीद ली, ये उसका पूर्व जन्म का संस्कार ही फला था, उसका किया नहीं हुआ, ना उसका चाहा हुआ। जैसे उदाहरण के तौर पर किसी के संतान होती है, विवाह हो गया,
विवाह के बाद सबकी इच्छा होती है संतान हो, और हमारे समाज में वैसे सभी मानव समाज में एक विशेष धारणा है कि लड़का अवश्य हो प्रथम, फिर भी इससे कन्या हो जाए। तो पहली लड़की होगी, फिर आशा रही कि दूसरा तो लड़का दे भगवान, दूसरी भी लड़की होगी, फिर आशा होती है कि तीसरा तो लड़का हो, तीसरी भी लड़की होगी, चौथी भी लड़की होगी, पांचवी भी लड़की होगी। तो हमारा चाहा नहीं हुआ, क्या हुआ, जो संस्कार था वही फला। आज कोई मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई और बड़ा सेठ है, या कोई सामान्य नागरिक है, वो कोई निर्धन है, कोई अमीर है, धनी है, तो ये पिछले संस्कार इनके आज उनको प्राप्त है। ये संस्कार कब बने थे, जब कभी वो मानव शरीर में थे, और मानव शरीर में इन्होंने जो शुभ कर्म किए, कोई साधनाएं की, भक्ति की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप आज उनको वो सुख प्राप्त हैं जो इस काल लोक में जीव इच्छा करता है। और वो भी मनुष्य हैं जो सारा दिन मजदूरी करते हैं और समय पर आहार भी प्राप्त नहीं होता, वो भी इंसान है जो सारा दिन कोई भीख मांगता है, कोई कागज सूखता फिरता है। तो कहने का भाव ये है कि ये सभी अपना पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कर्मों का फल ही भोग रहे हैं, कोई दुखी है, कोई सुखी है, तो ये पूर्व जन्म के संस्कार हैं। और अब हमने मनुष्य जीवन पुनः प्राप्त है, अब हमने फिर से वो संस्कार बनाने पड़ेंगे। जैसे इन्वर्टर की बैटरी चार्ज पहले से कर रखी है और वो चार्ज है तब तक चलेगी जब तक उसकी अक्षमता है, यदि उसको पुनः चार्जर पे नहीं लगाया गया तो वो एक दिन समाप्त हो जाएगी, वो सभी सुविधा देना बंद कर देगी। तो इसी प्रकार जो आज धनी लोग हैं, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, या कोई आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं, जज हैं, वकील हैं, या कोई बड़े सेठ हैं, या अन्य कोई कारोबार जिनकी फैक्ट्रियां लगी हैं, तो इन्होंने पहले जन्म की बैटरी चार्ज की हुई इन्वर्टर है इनके पास उन संस्कारों का। आगे दास को पता है कि इनके पास इन्वर्टर का चार्जर नहीं है, चार्जर मीन सत भक्ति नहीं है, परमात्मा की अब ये भक्ति नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे सदग्रंथ प्रमाण करते हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में प्रमाणित कर रखा है कि अर्जुन शास्त्र विधि को त्याग कर यदि कोई मनमाना आचरण करता है उसको न तो कोई सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उसकी परम गति होती है, अर्थात व्यर्थ यूजलेस, वो जीवन यूजलेस है। जो भक्ति कर रहा है और शास्त्र विधि त्याग कर लोक वेद के आधार से मनमानी पूजा है, मनमानी जाप कर रहा है, मनमानी अनुष्ठान करते हैं, जो सदग्रंथों से और महापुरुषों की उन वाणी से मेल नहीं खाते, तो उनकी यूजलेस प्रयत्न है, व्यर्थ प्रयत्न है। और जो भक्ति नहीं कर रहे वो तो बैठे काल को रहे हैं, उनका तो सीधा ही दिखाई देता है, वो तो बिल्कुल निर्ल है इस मार्ग में। तो उसके लिए हमने अपने सदग्रंथों को आधार बनाना पड़ेगा। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 24 में फिर फैसला दिया है, निर्णय दिया है, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है, शास्त्र ही प्रमाण है, इन्हीं के आधार से भक्ति करो, कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, यानी जो साधनाएं और भक्ति मंत्र अनुष्ठान करने चाहिए, कर्तव्य है, जो करने योग्य है उनको करो, और जो न करने योग्य हैं वो भी सदग्रंथ ही बताएंगे।
तो पुण्य आत्माओं, ये जो ज्ञान दास बता रहा है ये गॉड गिवन है। अभी तक हम किसी से सुनते थे, सुनाते थे और हम ये कह देते थे किसने देखा है, आगे क्या होगा। तो सूक्ष्म वेद में बताया है कि आगे गए नबावड़े और रहते भी सब्जा अरविंद साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। क्या बताया है कि जो पहले चले गए उन्होंने तो आके आपको बताया नहीं हमारे साथ क्या क्या बीता, हम सुखी रहे या दुखी हुए, और शेष बचे ये भी ऐसे ही चले जाएंगे जैसे हमारे पूर्व चले गए। फिर इन्होंने किन्होंने, जिन्होंने परमात्मा को देखा है, जिन्होंने परमात्मा को पाया है और परमात्मा से फिर उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उन महापुरुषों ने हमें बताया है। अब हम ये नहीं कह सकते कि किसने देखा है, वो वही कह सकता जो इस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं होता, इस सत्संग नहीं सुनते। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला दज्जर हरियाणा प्रांत में, छुड़ानी एक छोटा सा गांव है, बहादुरगढ़ और जज्जर रोड से एक लिंक रोड जाता है, दुलेड़ा से एक जाता कबलाना से, तो कबलाना से जो रोड अब पक्का बन गया, पहले कच्चा रास्ता था, छुड़ानी और कबलाना गांव को मिलाने का एक कच्चा रास्ता था, उसके ऊपर एक जंडी का पेड़ था, उस जंडी के पेड़ के नीचे गरीबदास जी अन्य ग्वालों के साथ सन 1727 में, संवत 1784 में फाल्गुन उतरते की द्वादशी को दिन के लगभग 9-10 बजे उस डंडी के पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रहे थे, गव्ये चर रही थी, गरीबदास जी के लगभग 1400 एकड़ जमीन थी, इकलौते पुत्र थे, 10 वर्ष के बच्चे थे उस समय, और ये अपने नाना की यहां रहा करते थे, उनके नाना का यानी कोई पुत्र नहीं था, यानी गरीबदास जी का कोई मामा नहीं था, इसलिए उनके पूज्य पिताजी छुड़ानी में घर जबाई रहते थे, वो सारी जमीन गरीबदास जी को ही प्राप्त हुई थी। 10 वर्ष के बालक थे, बहुत बड़े किसान जाट थे और उनको परमात्मा मिले वहां छुड़ानी के खेतों में, जंगल में, सतलोक से चलकर आए परमात्मा। ये परमात्मा का विधान सब वेद भी बताते हैं कि परमात्मा परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष परम अक्षर ब्रह्म ऊपर सतलोक में रहता, ऊपर के लोक में विराजमान है, राजा के समान बैठा सिंहासन पर, मनुष्य दृश्य है, सिर पर मुकुट है, ऊपर छत्र है, गरीबदास जी ने आंखों देखा बताया, और यही वेद बताते हैं। तो वहां से चलकर भगवान आए, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले और उनको, जब गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक थे, परमात्मा एक साधु रूप में वहां प्रकट हुए, सतलोक से आकर वहां नीचे जमीन पर उतरे, वहां से एक साधु की तरह यात्री की तरह चलते आ रहे थे, तो 10-12 और ग्वाले थे, गोपाल थे और गरीबदास जी थे, सबसे छोटी उम्र के गरीबदास जी थे। तो महात्मा और अतिथि को देखकर पहले बड़े प्रसन्न हुआ करते थे लोग, बच्चों के अंदर एक विशेष आस्था भर दी जाती थी और प्रत्येक व्यक्ति की ये धारणा रहती थी कि कोई भी अतिथि आता है उसको भोजन के लिए अवश्य प्रार्थना की जाती थी, क्योंकि उस समय सभी इधर उधर आते जाते थे, सभी को ये होता था कि हमने भी कभी जाना पड़ सकता है, तो एक ऐसी व्यवस्था अच्छी बनी हुई थी कि सभी को आग्रह किया जाता था कि हो सकता शर्म का मारे मना भी कर दे खाना खाणते, फिर भी बाई फोर्स प्रार्थना करते थे, ना जी खाना तो खाना ही पड़ेगा, बैठो खाना जरूर खाओ। कई बार ऐसा होता है कि इंसान शर्म के मारे ना कर देता कि ना जी खा के आया हूं, तो फिर उसको इस भावना से
विशेष आग्रह किया जाता था, ना जी थोड़ा खा लो, तो गलती से ना निकल जा कभी, तो वो फिर बेचारा खा लेता था। इस दृष्टिकोण से और पालियों ने बाबा जी देखकर कहा कि महाराज आ जाओ भोजन पालो। परमात्मा ने कहा बच्चों भोजन तो मैं अपने गांव से खा के आया हूं। तो उनका जी थोड़ा सा तो खाई लो। नहीं, खा के आया हूं भाई मैं। कौन सा गांव है आपका? परमात्मा ने बताया मेरा गांव सतलोक है, वो कबीर नगर कहलाता है। तो फिर भी उन्होंने विशेष आग्रह किया कि देखो जी हम अतिथि को, और आप तो साधु हैं, बगैर कुछ अन आहार जलपान किए बिना हम जाने नहीं देते, आपने कुछ तो लेना ही पड़ेगा। प्यार से एक विशेष आग्रह से कहा। तो परमात्मा ने कहा भी ठीक है। उन्होंने कहा कि भी ग्वालों ने कहा कि जी दूध पी लो, हमारी गव्वे हैं, जब चाहे हम निकाल लेते हैं, ऐसी अच्छी गव्वे हैं, दूध तो पीना ही पड़ेगा। तो परमेश्वर ने कहा भी मैं कुंवारी गायों का दूध पिया करूं, कुंवारी गाय का दूध पिला दो। तो जो बड़े एज्ड थे वो तो कहने लगे बाबा जी आपकी दूध पीने की नीत को ना, आप तो मजाक करते हो, कुंवारी गाय दूध देती है। परमेश्वर ने कहा भी देख लो, जब आप इतना ही हट कर रहे हो तो मैं दूध पीऊंगा, लेकिन पीऊंगा कुंवारी गाय का। अब वो बड़े लोग थे, वो तो नहीं कुछ बोले, चुप हो गए। गरीब दास जी खड़े हुए, 10 वर्ष के बालक, सबसे छोटी कम उम्र के थे। एक बच्चिया लाई अपनी लाडली सी, जिसके गले में एक रस्सा बांध रखा था, रस्सी जेवड़ी, उसको पकड़कर लाए। कहा देखो जी ये बच्चिया ना, इसको बच्चा भी नहीं है, अब ये गर्भ भी धारण नहीं किया है, दूध कैसे देगी? परमात्मा ने कहा कि कोई बर्तन है तुम्हारे पास, दूध निकाल लेंगे इसका। तो वहां एक मिट्टी का छोटा सा घड़ा था, 5-7 किलो, जिसमें लस्सी दूध आ सकता था। गरीबदास जी कह जी धोखा मांज कर रखा है, ये लो। परमात्मा ने कहा इसके नीचे रखो, जैसे थनों के नीचे रख लिया। गरीबदास जी पकड़ कर बैठ गए। परमात्मा ने बच्चिया के कमर पे हाथ मारा और लंबे लंबे सतन हो गए, आशीर्वाद दिया दातन, और दूध की धार चल पड़ी। जब वो पात्र भर गया अपने आप बंद होगी, और सतन फिर भी लंबे लंबे रहे, जैसे किसी गाय के बच्चा होने के बाद लंबे लंबे सतन हो जाते, ताकि लोगों को प्रमाण रहे कि ऐसा हुआ है। अब गरीबदास जी ने उठा करके वो दूध कहा ले महाराज पी लो। परमात्मा ने कुछ दूध जलपान किया, ऐसे मुंह लगा के, और तो बर्तन खेतों में होते नहीं थे उसमें, और फिर कहा कि ले बच्चों पी लो ये दूध, ये प्रेम प्रसाद है, ये दूध यहां का नहीं है, ये सतलोक से आया है, मेरे गांव से आया है। जो बड़ी उम्र के थे, कोई 20 वर्ष का, कोई 50 का, कोई 40 का, कोई 30 के, वो तो कहने लगे हम ना पीवे, ये तो जादू जंत्र का दूध निकाला आपने, और फिर आपकी जाति का पता नहीं, आप किस जाति के हो, और ये झूठा दूध हम पीवा को नहीं। वो तो उठकर चले गए। गरीबदास जी कहने लगे लो महाराज मुझे दे दो, आपका ये अमृत कब कब प्राप्त हो। पुण्यात्मा कहते हैं ना, पूत के पैर पालने में पिछड़ जाते हैं। तो जो पुण्यात्माएं होती है उनके बचपन से ही कुछ विलक्षण उनके गतिविधि होती है।